नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी तथा ड्राइवर के लिए टोटल 3306 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। अगर इसके लिए आपने ऑनलाइन आवेदन दिया है और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक हो गया है तो कैसे सुधार करना है, उसकी हर एक जानकारी को विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप करेक्शन प्रोसेस समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कैसे करेक्शन होगा, कब तक करेक्शन होगा, कितना चार्ज लगेगा, A to Z जानकारी मैं बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वक्त वक्त पर इसका अपडेट आते रहता है, तो ऐसे में अगर कोई जानकारी पाना है आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आए तो तुरंत मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से सूचना दे सकूं। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते हैं तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो ऐसे में ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे इसमें करेक्शन होगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हों, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर या स्टेनोग्राफर, सब के लिए एक ही रहेगा आपका करेक्शन प्रोसेस, तो सब के लिए एक समान ही आपका सुधार प्रक्रिया रहने वाला। तो चलिए अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसका फुल नोटिफिकेशन ओपन हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है हाईकोर्ट एट इलाहाबाद और यहाँ पर देख लीजिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी इसका जो भी एग्ज़ाम प्रक्रिया है वो आपका NTA करवाएगी। और आप सभी को पता होगा कि NTA द्वारा कोई भी अगर फॉर्म निकलता है, कोई भी आवेदन लिया जाता है, तो हर आवेदन के लिए एक स्पेशल करेक्शन डेट दिया जाता है, जिसमें जो भी आवेदक हैं अगर उनके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी हो जाता है तो उनको उस तिथि के बीच अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आसानी के साथ सुधार कर सकते हैं। पर उसके लिए क्या चार्ज लगेगा, कब से करेक्शन होगा, कौन कौन से डिटेल्स करेक्शन होंगे, उसकी जानकारी नीचे दी गई है। पर यहाँ आपको ये जान लेना है कि इसमें करेक्शन होगा, भले ही अभी ना हो, इसका डेट निकाला जाएगा। अभी यहाँ पर नीचे डेट अनाउंस किया गया है, तो उसको चलिए एक बार देख लेते हैं कि आखिर किस तिथि के बीच आपका यहाँ पर सुधार होगा। दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ग्रुप डी का नोटिफिकेशन ओपन किया है और जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि सभी पोस्ट के लिए एक समान आपका करेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले करेक्शन प्रोसेस समझने के लिए आप लोग यहाँ पर डेट देख लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो आप लोग देख लीजिए कि आखिर अप्लाई कब से कब तक होगा। तो 4 अक्टूबर से यहाँ पर बताया गया है, जो कि 24 अक्टूबर लास्ट डेट है और 25 अक्टूबर तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कितना लगने वाला है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि ग्रुप डी के लिए अगर आप जनरल या OBC से अप्लाई कर रहे हैं तो 800 रुपया और बाकी यहाँ EWS हैं तो 700 रुपया और SC ST के यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। पर जो मेन यहाँ पर डेट है वो देख लीजिए, मैं यहाँ जूम कर दे रहा हूँ, आप सभी को देखने में आसानी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है साफ तौर पर, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ अप्लीकेशन फॉरम बाई द कैंडिडेट इफ रिक्वायर्ड, यानी जिसको आवश्यकता है करेक्शन करने का वही करेक्शन विंडो ओपन करेंगे, अन्यथा उनको चार्ज देना पड़ जाएगा। तो ऐसे में सोच समझकर आप सभी करेक्शन विंडो ओपन कीजिएगा दोस्तों, और एक बार में ही आपका करेक्शन हो जाना चाहिए। सही प्रीव्यू जरूर कर लीजिए, अन्यथा ऐसे में आपका दोबारा करेक्शन करने का मौका नहीं देगा NTA। तो यहाँ पर देख लीजिए करेक्शन जो डेट है वो आपका 26 और 27 अक्टूबर है, पर दोस्तों ये रियल डेट नहीं है, हो सके आने वाले समय में आपका एप्लीकेशन डेट बढ़ा दिया जाए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब आपका एप्लीकेशन डेट बढ़ जाएगा, अप्लाई होने का डेट बढ़ जाएगा, तो ऐसे में आपका करेक्शन डेट भी चेंज हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ NTA द्वारा जारी की गई है जिसमें आपका करेक्शन डेट बदलता ही बदलता है, तो ऐसे में इस अपडेट को पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि कोई भी नया डेट आए तो आपको तुरंत पता चल सके। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि इसका बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ थी जिसमें यहाँ पर, जैसे कि आप सभी को पता होगा, NVS द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई थी
जिसमें करीबन 3 बार डेट चेंज किया गया था। तो ऐसे में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं तुरंत आप सभी को सूचित करूंगा वीडियो के माध्यम से, अन्यथा अगर एक बार आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर छूट जाता है, करेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साफ तौर पर नीचे दिया गया है और विस्तार से हम जानेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर हम लोग डेट एक बार देख लिए हैं कि आखिर 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक करेक्शन कर सकते हैं कैंडिडेट, पर कौन से डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं, कितना चार्ज लगेगा, क्या प्रक्रिया होगी, उसको हम नीचे विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन है जिसमें आप सभी यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि लिखा गया है रजिस्ट्रेशन एंड अप्लीकेशन प्रोसेस। पर दोस्तों इसके नीचे आइएगा तो आपको करेक्शन से जुड़ी कोई स्पेसिफिक जानकारी देखने को नहीं मिलेगी, पर जैसे ही इसका डेट अगर करेक्शन का आएगा तो करेक्शन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि स्पेशल आपका करेक्शन करने वाले कैंडिडेट के लिए वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा दोस्तों। तो ऐसे में फिलहाल तो यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर स्पेशल नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ डेट मिलेगा। और अगर आप सभी सरकारी रिजल्ट से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी देखिएगा आप लोग कि आखिर करेक्शन डेट क्या लिखा गया है, तो करेक्शन डेट वहाँ भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एनटीए आने वाले समय में अपना डेट चेंज करेगा दोस्तों। मैं 100% आप सभी को कह रहा हूँ कि डेट चेंज होगा, इस कारण इसका कोई स्पेशल डेट नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि आपका 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच डेट चेंज होगा, पर इस डेट में भी बदलाव आ जाएगा दोस्तों। और जैसे ही इसका करेक्शन डेट नज़दीक आएगा, स्पेशल आपके लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें हर एक नोटिस को यहाँ पर साफ तौर पर बताया जाएगा कि कैंडिडेट आखिर कैसे सुधार कर सकते हैं। पर बहुत बार ऐसा एनटीए का नोटिफिकेशन आया है, उसके अनुभव से मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आप सभी को करेक्शन करना पड़ेगा और किस किस फील्ड में आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आपको फोटोग्राफ क्लियर रखना चाहिए, या अगर आपने पीछे का बैकग्राउंड जो है एकदम अजीबोगरीब अगर रखते हैं तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका जो फोटो है ब्लर नहीं रहना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फेस एकदम क्लियर नज़र आना चाहिए, ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है वो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप सभी का सही से यहाँ पर फॉर्म आप सभी का एक्सपेक्ट होगा, अन्यथा आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये मेन दो रीजन है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होता है, बाकी सब अगर कोई डिटेल्स आप लोग गलत भर देते हैं तो ऐसे में एनटीए उसको स्वीकार कर लेगा। ऐसा बात नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, पर जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो आपका अगर नहीं डिटेल्स मैच करता है ऑफिशियल जो आपका डॉक्यूमेंट है उससे, तो ऐसे में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। तो इसलिए करेक्शन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है दोस्तों। और जैसे ही करेक्शन का डेट नज़दीक आएगा, स्पेशल आप सभी के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा और एनटीए द्वारा भी आप सभी का करेक्शन नोटिस जारी होगा। तो ऐसे में आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा गलती हो गया अब कैसे सुधार होगा, और हड़बड़ाहट में दूसरा फॉर्म मत अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो हड़बड़ाहट में दूसरा फॉर्म अप्लाई कर देते हैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज करके, तो ऐसे में दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इससे बेहतर है कि आप पहले वाले एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर लीजिए, क्योंकि एनटीए आपको सुधार का मौका देगी, आप बस प्रतीक्षा करें। तो जैसे ही नोटिस जारी होता है दोस्तों मैं तुरंत आप सभी को सूचित करूँगा। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर इसके रिगार्डिंग कोई मन में डाउट रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।